Assalamu alaikum nazreen, Dr. Hena Khan, Sehat hai zindagi liye hue aapki khidmat mein phir hazir hain. Aur umeed hai ki jin behnon ne bhaiyon ne pichle hamara program dekha hoga, enjoy kiya hoga, kuch na kuch malumat aur kuch waise hi chatting jisse kuch apne kisi sawal ka jawab mila hoga ya kisi aur ke liye kuch hame calls bhi aayi thi family members ke bare mein, wo bhi aap kar sakte hain. Aur maqsad ye hai ki community ke andar jaise ek mahol ho aapas mein knowledge ko share karne ka, ek dusre ke masle masail samajh, jaise aap khane peene ki recipes karte hain share. Aur ab aapko pata hai aaj aur kal, balki aaj subah 9 baje se lekar aur Friday ki subah 8 baje tak junior doctors ki NHS mein स्ट्राइक है, और ये भी मुश्किल पेश आएगी यकीनन पेशेंट्स को वहाँ पहुँचना, कुछ अगर ज़रूरत ऐसी पड़े इमरजेंसी में जाने की या कोई इन्फॉर्मेशन लेने की. बहरहाल जीपीस की तरफ से तो कोई ऐसी ख़बर नहीं आई है स्ट्राइक की, होपफुली वो मामला चलता रहेगा. लेकिन हमें दिन ब दिन ये चीज़ और क्लियर होती जा रही है कि कम्यूनिटी के अंदर ये जितनी भी सर्विसेज हैं इनको मज़बूत ग्राउंड्स पर होना चाहिए. हम लोग कुछ ना कुछ अपने जो भी हमारे प्रोफेशन हैं, जो भी हमारी स्पेशलिटी है, कोशिश करें कि कुछ ना कुछ वक्त निकाल कर उसको, चाहे हमें जो कम्युनिटी में मीडिया सर्विसेज अवेलेबल हैं या कम्युनिटी सेंटर्स हैं. जैसे मैंने आपको पहले ज़िक्र किया था कि जुम्मे की नमाज़ के बाद हमने शुरू किया था एक सिलसिला फ्री कंसल्टेशन क्लिनिक्स का. एक मेरे कॉलीग हैं हमारे एरिया में, वो साइकाइट्रिस्ट हैं, वो करते थे सैटरडे को मैं जुम्मे की नमाज़ के बाद. तो इसी तरह हमारी और कुछ कोलीग्स हैं. पिछली बार एक दो ख़वातीन ने स्किन के सवाल किए थे, तो मेरी एक और हैं कम्युनिटी में, दोस्त भी कह लें कोलीग भी हैं, वैसे वो ब्यूटिशन हैं बाय प्रोफेशन, लेकिन मेडिकल और लेज़र ट्रीटमेंट वो करती हैं स्किन के लिए. और उनको भी मैंने कहा कि वो हमारे प्रोग्राम में शामिल हों और आएंगी भी इन फ्यूचर. एक को बल्कि जो मेंटल हेल्थ के साथ रिलेटेड हैं काउंसलिंग में, उनको आना भी था मगर उनकी तबीयत कुछ नासाज हो गई, सफ़र से आई हैं अभी वापस. इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम उनको भी लेंगे. तो और आज अगर आपके कोई ऐसे सवाल हों तो आप उससे मुतालिक भी कर सकती हैं, क्योंकि फ़ोन पर वो हमारे साथ होंगे इंशाल्लाह. और पिछली बार एक बहन ने सवाल किया था जो वहीं रह गया था, जिसका हमें बड़ा अफसोस हुआ था. काफ़ी एब्रप्टली हमें बंद करना पड़ा था अपना, टाइम की वजह से ख़त्म करना पड़ा था प्रोग्राम. तो वो था, बहन पूछ रही थी उनकी बेटी जो 18 साल की है और उसके पीरियड्स के बारे में कि बहुत हैवी हैं और पेन भी होता है. ये एक कॉमन आम एक प्रॉब्लम है जो कि ज़्यादातर ये है कि जो शुरू के साल होते हैं, जैसे 13 से आप स्टार्ट करें अगर, तो पहले जो 3 साल 4 साल 5 साल वो तो वैसे भी ओव्यूलेशन का एक रूटीन बनने में, कि जिसमें साइकिल का एक रूटीन बने, ओवरीज एक ट्रैक पे चलना शुरू हो, उसमें लग जाता है. तो उसमें काफ़ी बच्चियों को जो है वो ये प्रॉब्लम हो सकती है कि पीरियड्स की इररेगुलरिटी, मतलब कि महाना जो साइकिल होता है वो आगे पीछे होना, और दर्द वगैरह की भी शिकायत. जिसमें एक ये बच्चियों को इस बात पे इनक्रेज करना चाहिए कि वो स्पोर्ट्स वगैरह में हिस्सा लिया करें, क्योंकि जो खेल हैं, वर्जिश वगैरह है, इनसे हमारे जिस्म पे जनरली, ये नहीं कि सिर्फ मसल्स के ऊपर, क्योंकि हमारा जो यूट्रस है, जो रहम है, वो भी एक मसल है, एक मतलब मसल बॉल है, एक तरह की स्मूथ मसल्स उनको कहते हैं. तो उनके ऊपर भी असर होता है हमारी एक्टिविटीज़ का. तो बच्चियों को अगर आदत हो वर्जिश की और खेल कूद में, जैसे यहाँ पर स्कूलों में पीई होती है और मेरा ख़्याल है सभी के लिए कंपलसरी है, सभी बच्चियाँ उसमें लेती हैं हिस्सा. तो उसमें ये ना करें कि उसमें बस ऐसे ही टाइम पास कर लिया और अटेंडेंस लगा ली और फिर किया कुछ नहीं. कोशिश करें उसमें बढ़ के हिस्सा लेने की. ये ऐसी कोई बात नहीं है कि नहीं जी हम तो मुसलमान हैं, हमारा बच्चियों का क्या खेल कूद से ताल्लुक और भाग दौड़ से ताल्लुक. बल्कि आपको पता है कि हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा के बारे में रिवायत भी आती है, वो तो एक आध रिवायत हम तक पहुंची है. इससे पता चलता है कि उनके लाइफ स्टाइल में ये चीज़ थी कि एक बार नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ दौड़ भी लगाई थी. तो अपनी फैमिली के अंदर भी ये रिवायत हम रखें कि बच्चियों को भी शामिल किया करें
जहाँ भी खेल कूद स्पोर्ट्स सेंटर्स में या घरों में इसका इंतज़ाम हो और स्कूलों वगैरह में, क्योंकि इनका असर ये जो गायनेकोलॉजिकल हेल्थ है, जो सेहत निसाइया है, उसके ऊपर डायरेक्ट असर पड़ता है। और आपने देखा होगा यहाँ पे जैसे बहुत ट्रेंड है कि छोटी उम्र से बच्चियों को बेले डांसिंग में डाला जाता है, तो उसका भी असर होता है इन आपकी फ़िज़िकल जो भी हेल्थ है और गायनी से रिलेटेड जो चीज़ें हैं, फिर ये साइकिल वगैरह बाद में बनना, फिर उसके अंदर जो दर्द का मसला होता है, और फिर आगे जाकर भी शादी के बाद भी कई मसाइल इस तरह के आते हैं जिनमें अगर हमारी बॉडी यूज्ड टू होती है स्पोर्ट्स के साथ, वर्जिश वगैरह के साथ, तो फिर आगे जाके जो प्रेगनेंसी वगैरह के मसाइल आते हैं, उन सब स्टेजेस में इनका असर भी होता है और इनसे हमें मदद मिल सकती है। अच्छा, अगर मुझे ये मेरे मोबाइल पे अभी फ़ोन आ रहा था, जिन बहनों को मैंने कहा था फ़ोन का, हमारी जो एक्सपर्ट्स उसमें स्किन में और मेंटल हेल्थ में, वो अगर मेरे मोबाइल पे करी हैं तो प्लीज़ मोबाइल पे करने की बजाय जो यहाँ का नंबर स्क्रीन पे आ रहा है लैंडलाइन स्टूडियो की, उस पे प्लीज़ करें, वहाँ से कनेक्ट करेंगे स्टूडियो पे। तो वो जिस बच्ची को 18 साल की उम्र है और हैवी मेंसेस, यकीनन जीपी के पास वो गई होंगी और कुछ ना कुछ वहाँ से मशवरा मिला भी होगा और कुछ दवा ली भी होगी। उसके अब हर एक के मुख्तलिफ सूरत हाल होती है, उनकी पूरी हिस्ट्री एक तो देखनी पड़ेगी, किस उम्र में पीरियड स्टार्ट हुए थे, शुरू में क्या उसका पैटर्न था, किस तरह से चल रहे थे, क्या शुरू ही से ऐसे था, क्योंकि बहुत छोटी उम्र में भी ये हो सकता है। और उसमें टेस्ट उस वक्त कराने सारे इसलिए ज़रूरी होते हैं जीपी के ज़रिए कि कुछ मौरूसी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे कि आपको प्लेटलेट्स की कमी, फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे एक सेल है ब्लड में, खुलिया होता है, उसको प्लेटलेट्स कहते हैं, जो कि खून को चिपका के रखना, क्लॉट्स उससे बनना खून को जमाने के लिए, उससे उसकी कमी की वजह से भी एक वॉन बिलिबर्न डिज़ीज़ के नाम से एक होती है जो कि मौरूसी होती है, और उसमें ये हो सकता है कि बच्चियों को पीरियड्स बहुत ही हैवी आएँ, और उसका सिर्फ मगर ये नहीं होता बल्कि उनको फिर दूसरी भी कुछ निशानियाँ होती हैं जो उनसे फिर पूछनी पड़ती हैं कि बेटा अगर आपके चन में कभी कुछ काट रही हो, हाथ वाथ पे छुरी लग जाए या कट पड़ जाए, तो ऐसा तो नहीं कि बस खून चलता ही रहता है, बंद ही नहीं होता, नॉर्मल थी तो आप थोड़ी देर टिशू से दबाएँ या कुछ तो बंद हो जाते हैं, लेकिन वो नहीं होता और जारी रहता है। या फिर आपको नील जिस्म पे ब्रूजेज वगैरह बहुत ही आसानी से, हर वक्त कहीं ना कहीं ब्रूज पड़े हुए हैं, तो ये चीज़ें पूछेंगे आपके डॉक्टर, और उसके लिए फिर प्लेटलेट्स का और हर चीज़ का टेस्ट होगा। तो ये सारी चीज़ें अगर जहन में हों माँ के भी और फैमिली में पता हों, तो फिर वो वक्त पे जीपी के पास पहुँचेंगे। तो ये चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। और दूसरा, ज़रूरी नहीं कि सिर्फ यही वजह हो, ये भी वजह हो सकती है कि शुरू में जब एग्स इतने डेवलप नहीं हुए हुए होते तो कंट्रोल जो है ब्लीडिंग का वो इतना बेहतरीन नहीं होता और उसमें दर्द भी ज़्यादा होती है। तो उसके लिए मुख्तलिफ दवाइयाँ हैं, उनकी सपोर्ट ली जा सकती है। शुरू तो बिल्कुल सिंपल चीज़ों से करना चाहिए, पैरासीटामोल वगैरह है, आईबुप्रोफेन है, मगर वो खाली पेट नहीं ले सकते आईबुप्रोफेन की कोई भी प्रोडक्ट जो है, जितनी भी ये ऐसी दवाइयाँ जैसे मेफेनमिक एसिड है, वो जब आपको डॉक्टर या फार्मासिस्ट देंगे तो साथ बताएंगे भी कि कौन सी खाली पेट नहीं ले सकते। पैरासीटामोल का ये फ़ायदा है कि बच्चियाँ अगर अपने बैग में रखें वो किसी भी वक्त खाली पेट भी खा सकती हैं, लेकिन आईबुप्रोफेन वगैरह है या एसिड वाली टेबलेट्स हैं वो उन्हें बताना होगा या बच्चियों को मालूम होना चाहिए कि वो खाली पेट ना लें, वरना उसके बाद और कॉम्प्लिकेशन, उल्टियाँ और मतली और तबीयत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। फिर ये कि फ़िज़िकल कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि गर्म पानी की बॉटल उन्हें दे दें और या बच्चियाँ उसका इंतज़ाम रखें अपने पास। अब तो वो कपड़ों में भी सिले हुए पैड्स ऐसे आते हैं, वॉर्म पैड्स, ख़ास तौर पे सर्द इलाकों के लिए, जैसे ये जब मेरा डेनमार्क वगैरह की तरफ जाना हुआ था स्वीडन, तो वहाँ मैंने देखा था कि कपड़ों के अंदर स्टिच हुए हुए ये वॉर्म पैक्स आते हैं जेल्स के अंदर, जो आप एक बार वॉर्म करके रख लें। तो ये चीज़ें जो नेचुरल हैं, जो घरेलू टोटके हैं, जो हमारी बुज़ुर्ग ख़वातीन भी हमें बताती हैं, मदर्स वग़ैरह हैं, तो उनको भी इस्तेमाल करें। और उसके अलावा जैसा कि मैंने कहा कि अपने आम दिनों में, पीरियड्स के दिनों के अलावा जो बाकी 3 हफ्ते आपके पास होते हैं, उसमें अपनी एक्टिविटीज़ कुछ ना कुछ रखें, वॉक है या रनिंग है या जो आपको गेम पसंद है, नेटबॉल है। उसमें भी एक और दूसरी फिर एक्सट्रीम ये हो जाती है कि कुछ बच्चियाँ बहुत ही, जैसे अब ये स्काई डाइविंग वगैरह, चलो कभी कभार कहीं फ़ंड रेजिंग के लिए कर लिया तो कर लिया, उसको आप अपने उसमें रूटीन में मत रखें, क्योंकि हमारे पास ऐसे केसेस आए हैं कि
जैसे हिल क्लाइंबिंग वगैरह ऐसे डेंजरस इस तरह के रिस्की स्पोर्ट्स में चली जाती हैं बच्चियां, अपने अल्लाह ताला ने मर्द और औरत के जिस्म की साख्त मुख्तलिफ बनाई है, हमारी पेल्विक बोन्स भी मुख्तलिफ होती हैं, तो उसके हिसाब से लेंगे ना, और कि लॉन्ग टर्म आपको डैमेज हो जाए पेल्विक बोन वगैरह का, फिर डिलीवरी में प्रेगनेंसी में बाद में जाके प्रॉब्लम्स होती हैं। एक कॉलर है हमारे साथ, उनको ले लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। लंदन से बात कर रही हूँ। जी जी बोलिए। मैंने अभी आपका प्रोग्राम शुरू हुआ तो देखा है, तो आपने लेजर ट्रीटमेंट के बारे में बताया है कि कर सकते हैं। स्किन की नहीं, बाल रिमूव जो करते हैं। हाँ हाँ हाँ, लेजर उसके लिए मैंने एक सिस्टर से कहा है, वो यही काम करती हैं। सिस्टर जरका हमारे साथ आएंगी, वो थोड़ी देर आप प्रोग्राम में रहिएगा, वो कॉल करेंगी और वो उसके ऊपर आपको बताएंगी भी। तो अगर तो आप क्या पूछना चाह रही थी, सवाल आप बता दें। जी पता समझ नहीं आ रही थी कि कहाँ से मैं कमाऊँ, कौन सा सही है कि नहीं। अच्छा, तो फेस पे मेरी ना तकरीबन दो ढाई साल से स्किन, कभी भी मेरे बच्चे भी पैदा हुए जैसे आम औरतों के स्याहियाँ पड़ जाती हैं, ऐसे फेस पे हो जाती थी, लेकिन मेरे कभी भी नहीं ऐसे हुई, लेकिन पिछले दो ढाई साल से मेरे ऐसे हो रहा है ये प्रॉब्लम ना। तो उसके लिए डॉक्टर पे भी काफी गई हूँ, उन्होंने भी क्रीम दे देते हैं लेकिन कोई फर्क नहीं उससे भी पड़ा ना। आप एक जगह से, जैसे ये मेरी जो आईब्रो है, आईब्रो के ऊपर एक साइड पे थी फिर दूसरी साइड पे हो गई, अब वो दो साल बाद खुद ही हल्के हो गए। तो अब ये चीक्स पे निकल आई है मेरी, पहले एक साइड पे थी अब दूसरी साइड पे, पहले डॉट जो झाइयां कह रही हैं आप, थोड़ा बढ़ना शुरू हो जाता है ब्राउन सा, यानी स्याहियों का जैसे। हाँ हाँ, वैसे ये वैसे तो हार्मोन्स की वजह से होता है, जो प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में होता है उसमें हार्मोन्स का ताल्लुक होता है। नहीं अब और ये तो माशाल्लाह बच्चे हो गए, बच्चे माशाल्लाह जवान हैं, मैं 45 ईयर ओल्ड हूँ। तो अब आपका जाहिर है कि उससे डायरेक्ट मुतालिक नहीं होगा हार्मोन्स से, कोई और स्किन की वजह भी हो सकती है जिसके अंदर आपको। मुझे वैसे विटामिन डी की प्रॉब्लम है, उससे तो नहीं है वो, तो हम में से हर एक कोई है। मेरा अपना कैल्शियम विटामिन डी इतना ड्रॉप हो गया था, यहाँ पे हमारा लिबास और भी है और तो कुछ, हर चीज में कुछ ना कुछ, बस वो दवाई दे देते हैं ठीक हो जाएगा सही तरह, यानी वो प्रॉब्लम। घरेलू टोटके इसमें भी हैं, आपने किया अभी वो जो करेंगी जब कॉल हमारी स्किन के लिए तो बताएंगी, जैसे ये मैदा और हल्दी मिलाकर लगाना। टोटके और मैंने कोई भी किए नहीं किए जी, नहीं नहीं, उनकी बहुत इम्पोर्टेंस होती है, वो आपको इंटरनेट पे भी मिलेंगे अगर आप नेचुरल ट्रीटमेंट्स डालें फॉर स्किन और कई चीज़ें, क्योंकि जाहिर है कि स्किन पे स्टीरॉइड्स वगैरह आप एक हद तक ही लगा सकते हैं, और फेस पे तो ख़ास तौर पे जैसे पिछले प्रोग्राम में भी मैंने कहा था अगर वो लगाओ तो फिर बाल ज़्यादा ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। हाँ जी, तो कुछ वो मैंने जो क्रीम भी दी थी वो भी 6 हफ्ते से ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करनी थी, वो भी ठंडे इलाके में। तो गर्मियों में तो आप प्रोग्राम देखती रहें, इंशाल्लाह होपफुली ये हमारी स्किन के लिए करेंगी सिस्टर कॉल, तो हम उनसे फिर कहेंगे कि इसके बारे में और तफसील से बताएं लेज़र के बारे में, क्योंकि वो ख़ुद भी करती हैं। तो उसके बाद हम स्किन के बारे में, बल्कि और भी किसी बहन का अगर है इससे रिलेटेड, फेस का या जिस्म के दूसरे हिस्सों का लेज़र का, तो वो उस पर अपने सवाल ला सकती हैं। हम थोड़ी सी अभी ब्रेक की तरफ जाने वाले हैं, उसके बाद हम प्रोग्राम को जारी रखेंगे और उसके दौरान उम्मीद है कि ये हमारी कॉल पे ये बात भी हो जाएगी, और उसके अलावा बाकी आपके गायनी से या प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी सवाल हो तो वो भी आप कर सकते हैं। हम हाइपर एमेसिस पे भी बात करेंगे, मतली और कह पे। तो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात होती है, यहीं रहिएगा, कहीं जाइएगा मत। ओके, जी अस्सलाम वालेकुम। ब्रेक के बाद फिर हाज़िर हैं, प्रोग्राम सेहत है ज़िंदगी। आज ख़वातीन का आलमी दिन भी मनाया जा रहा है, और किसी ने मुझे सुबह सुबह मैसेज भेजा था, आपको भी शायद आया होगा, कि हमारे लिए बेहतरीन मिसालें हैं हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हा, हज़रत मरियम, हज़रत आसिया, तमाम ख़वातीन के नाम। और फिर मैं सोच रही थी कि इस मामले में भी हमें यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, इन ख़वातीन की हमें हालात ज़िंदगी ज़रूर पढ़ने चाहिए, सीरत जैसे हम पढ़ते हैं, ताकि हमें मालूम हो कि मुख्तलिफ
مراحل زندگی میں جب آتے ہیں تو ان میں کس طرح صبر کے ساتھ اور حکمت کے ساتھ انہوں نے فیصلے کیے. انہیں بھی خاندانی مسائل ہماری طرح کے پیش آتے تھے, صحت کے معاملات. تو اس کے علاوہ ہمیں اب ہم ایک انٹرنیشنل لیول پہ رہ رہے ہیں, سفر جو ہے بہت ہی مختصر ہو گئے ہیں, دنیا ایک چھوٹا سا ولیج یا گاؤں بن گئی ہے. تو ہم اس چیز کو اگنور نہیں کر سکتے کہ مختلف کمیونٹیز اور بیک گراؤنڈس کی خواتین جنہوں نے بڑے بڑے کارنامے کیے ہیں, مدر ٹریسا ہیں ہیلتھ کے اس میں, تو ان لوگوں کو بھی ہم یقیناً اپنی لسٹ پر رکھیں گے. اور پولیٹکس میں پھر دیکھ لیں جہاں بھی مطلب ہمیں ملتے ہیں اس طرح کے. تو انٹرنیشنل ویمنس ڈے پہ ہمارا پیغام, میری طرف سے تو یہ پیغام ہے کہ خواتین کی صحت کے بارے میں خود سب سے پہلے خود خواتین اس کے بارے میں کانشیس ہوں اور احساس کریں, شعور پیدا کریں اپنا, اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ اس کے اندر انشاءاللہ ہم باہر سے بھی تبدیلیاں لا سکیں گے. ایک اور کالر ہے ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیے, کہاں سے بات کر رہی ہیں آپ بہن؟ جی لندن سے بات کر رہی ہوں. جی جی. تو میں نے پوچھنا تھا, میرے گھٹنوں میں بہت سخت تکلیف ہے, ٹانگوں میں بھی, پیروں میں بھی, پاؤں میں بھی. کیا عمر ہے آپ کی؟ جی 60. تو پھر آرتھرائٹس وغیرہ کے لیے چیک اپ ہو گیا؟ جی ہو گیا. کیونکہ آپ کے تو وٹامن ڈی 3 کی کمی ہے, وہ کیلشیم زیادہ ہو جاتا ہے, وٹامن ڈی 3 کم ہو جاتا ہے. جی ہم میں سے اکثر خواتین کے ساتھ یہ مسئلہ تو ہے, کیونکہ ہم باہر اتنا نکلتے نہیں. اگر آپ کے بیک یارڈ میں کوئی جگہ ہے یا سن روم ٹائپ جہاں سے دھوپ آ سکے اور آپ دھوپ لے سکیں جب جن دنوں نکلی ہوتی ہے, تو سردی میں جا بھی نہیں سکتی, بہت زیادہ سردی. اتنا نہیں باہر نہیں, سن روم ٹائپ یعنی کوئی کھڑکی ایسی ہو جہاں سے پردہ یا بلائنڈز ہٹا کے دھوپ لیں. اور اس کے علاوہ جو ہے ویٹ کا مینجمنٹ کرنا پڑے گا, وزن جتنا اوپر سے پڑتا ہے ایج کے ساتھ ساتھ اس کا اثر گھٹنوں پہ ڈائریکٹ پڑتا ہے, ٹانگوں پہ. یہ اتنا نہیں ہے, صرف میرا پیٹ ہی ہے, اور تو نہیں ہے, کم تو کر رہی ہوں ابھی میں. ویٹ مشین رکھیں گھر میں, کھانے پینے کے بچوں میں سے کسی کو کہیں کہ آپ کو ڈائٹ چارٹ نکال دیں. اچھا. اور جی پی سے بھی اس کے بارے میں آپ بات کر سکتی ہیں, تقریباً ہر جی پی کے پاس ڈائٹیشنز ہوتے ہیں. کبھی ہمیں لگتا ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اور میں اس کو کر لوں گی مینیج, لیکن حیرت ہوتی ہے کہ جب کسی سے بات کرتے ہیں تو کتنا کچھ اور سامنے آتا ہے اور بہت ہیلپ ہو جاتی ہے. جیسے دودھ ہے اور ریشہ ہو جاتا ہے اس سے, دودھ بھی آپ کو بالکل وہ لینا پڑے گا نا, اسکمڈ ریڈ والا جو ہوتا ہے, بالکل بغیر اس کے چکنائی کے. اچھا. تاکہ ریشہ نہ ہو اور اس سے چکنائی کے دوسرے جو سائڈ افیکٹس ہیں وہ نہ ہوں. اچھا. اور یہ باقاعدہ اس کے لیے یوگا کی ایکسرسائزز بہت ہی اچھی ہیں, یہ ٹانگوں اور گھٹنوں کے درد کے لیے یوگا جو آپ آرام سے گھر میں بیٹھ کے کر سکتی ہیں, مگر وہ آپ دیکھ سکتی ہیں یوٹیوب وغیرہ پہ. تو اب ہم ایک اور کالر کو لیتے ہیں, اس کے اوپر ہم اور بات بھی کرتے ہیں انشاءاللہ. جی دوسرے ہمارے ساتھ کالر ہیں, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ مجھے پولی سسٹک اوویز ڈاکٹر نے بتایا, تو میں اس کے بارے میں کچھ معلومات لینا چاہتی تھی کہ اگر آپ کوئی اس کا کوئی علاج وغیرہ یا کچھ ہو. ٹھیک ہے. پولی سسٹک اووری آپ کو ابھی فرسٹ ٹائم ہوئی ہے؟ جی پہلی دفعہ. اچھا. پولی سسٹک اووریز جو ہیں اس کے دو طرح سے ہو سکتی ہیں, کہ اس کے ساتھ آپ کو صرف پیریڈز ہی کی پرابلم ہے یا آپ کو اور بھی, جیسے بال وغیرہ گلو ہونے چہرے پہ یا پیریڈز, تو خیر آپ کے دانے وغیرہ آ جاتے ہیں چہرے پہ. جی وہ بھی ہے. اچھا پولی سسٹک اووریز. اور اس میں آپ کو یہ تو نہیں ہے, یہ میں ٹاپکس آپ لوگوں کے نوٹ کرتی جا رہی ہوں تاکہ اگر فوری نہ کر سکیں تو ہم اس کو آگے لیں, اسی آپ دیکھتے رہیے گا پروگرام. لیکن اس کے ساتھ آپ کو جو ہے یہ تو نہیں ہے کہ انفرٹیلیٹی, جیسے ابھی بچوں کی پیدائش ہوئی نہیں ہے اور ہونی ہے, یا ابھی شادی ہوئی نہیں ہے اور نہیں, پہلے میرے دو بچے ہیں لیکن اب آپ کوشش کر رہی ہیں پریگننسی کی. ہاں پولی سسٹک اووریز کی وجہ سے تھوڑا سا ڈیلے ہو سکتا ہے, مگر ضروری بھی نہیں کہ زیادہ ڈیلے ہو. نیکسٹ کالر لیتے ہیں, پھر پولی سسٹک اووریز پہ بھی بات کرتے ہیں, کافی کامن ہے پولی سسٹک اووریز. جی السلام علیکم. کالر ہے جی. وعلیکم السلام. جی بہت مبارک ہو آپ کو اس پروگرام کی. شکریہ. اچھا ہماری ساری ٹیم کو. جی آپ کی ساری ٹیم کو. آپ سے کوسچن کرنا ہے کہ میرے چہرے پہ بہت خشکی ہو گئی ہے, کسی بھی قسم کی کریم میں لگاتی ہوں تو الرجی سی ہو جاتی ہے, تو پلیز اس کے لیے بتائیں کوئی دیسی نسخہ وغیرہ. اور آنکھوں کے نیچے لائنیں بھی ہیں خشکی کی وجہ سے, تو
किसी भी हर किस्म की क्रीम से ना मुझे अब एलर्जी सी हो गई है, एकदम दाने बन जाते हैं। कितनी एज है आपकी? जी 40 से अबव है। पीरियड्स ठीक आ रहे हैं? पीरियड्स तो ठीक है, लेकिन पहले लगा थी ड्राइनेस हो रही है या बाकी जिस्म पे भी? नहीं, बाकी जिस्म पे नहीं, चेहरे पे। अच्छा अच्छा, और खारिश होती है साथ? नहीं, खारिश तो नहीं होती है, बस खुश्की बहुत ज्यादा होती है। क्योंकि एज के साथ, अभी आप 50 की तो नहीं हुई है मगर उस तरफ जा रही है माशाल्लाह, अल्लाह आपकी उम्र दराज करे, तो चेहरा जो है ये हमारी स्किन को भी हार्मोन्स बहुत सपोर्ट करते हैं। हमें ख्वातीन को अंदाज़ा नहीं होता कि हमें ये अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है। एक हार्मोन जो ओवरीज में से निकलता है ईस्ट्रोजन, वो किस किस चीज़ को सपोर्ट कर रहा होता है। स्किन उसमें एक बहुत बड़ी चीज़ है कि हमारी स्किन की जो नरमी है और जो शाइननेस होती है इसके अंदर, चमक होती है और नरमी होती है, वो ये हार्मोन ईस्ट्रोजन करता है। और इसके अलावा हमारे दिल को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करता है ईस्ट्रोजन, इसीलिए ख्वातीन के अंदर हार्ट अटैक्स का रेट मर्दों की निस्बत कम होता है। और इसके अलावा बालों की जो हमारी ग्रोथ है, फिर ये जो हमारे मामला है मसाने का, पेशाब का अखराज, वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये हार्मोन असर करके उसको आसानी से करता है। जब ख्वातीन 50 से ऊपर या मेनोपॉज एज में जाने लगती हैं तो फिर आपने सुना होगा अक्सर कि पेशाब में तकलीफ़ और इन्फेक्शन ज़्यादा होने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो सेल्स की वहाँ पे लेयर्स जो होती हैं नकासी की जगह पर, वहाँ वो टूटना शुरू हो जाते हैं सेल्स और वहाँ भी खुश्की शुरू हो जाती है। तो आपकी स्किन का ये भी हो सकता है कि एक तो जनरल क्रीम्स वगैरह जो आप कह रही हैं, मॉइस्चराइज़र्स आपको ज़रूरत से ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे। आम दिनों में कोई दिन ऐसा भी गुजर जाए कि आपने क्रीम ना लगाई हो, अब आपको ये करना पड़ेगा कि दिन में भी आप बाहर निकलें या घर में भी हों तो कोई ना कोई कोल्ड क्रीम लगाएं। और उसके अंदर भी मैं फिर यही कहूँगी कि घरेलू टोटके बहुत ज़्यादा काम करते हैं, जिसके अंदर आप 3-4 चीज़ें मिला सकती हैं, जैसे दूध है या मलाई उसके ऊपर से, और हल्दी उसके साथ ले लें, और ये जो है अंडा एक फेंट कर और उसके अंदर मैदा मिला के, ये अपनी सी भी एक आप क्रीम बना के रख सकती हैं उसके अलावा। अच्छा, ये स्किन वाली हमारी एक सिस्टर करेंगी आज, आई होप कि वो करेंगी, वादा तो था, तो वो इंशाल्लाह आपके स्किन के जो सवालात आ रहे हैं उसके बारे में उनसे हम रिक्वेस्ट करेंगे कि वो जवाब दें। एक और कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं फरद बोल रही हूँ इधर लंदन से ही। तो मेरे ना, मैं 45 ईयर ओल्ड हूँ, मेरे पीरियड्स का भी मसला चल रहा है और ये हार्मोनल जैसे डॉक्टर ने कहा है, लेकिन अभी मैंने दिए हुए अपने ब्लड टेस्ट, लेकिन परेशान हूँ, मेरे बाल बड़ी तेजी से उतर रहे हैं। अच्छा, बाल उतर रहे हैं यानी कि चेहरे के सर के बाल? अच्छा, सर के बाल काफी थोड़े हो गए हैं और स्किन की भी काफी चेंजेस मुझे ना, यानी कभी स्पॉट निकल आते हैं। स्पॉट्स और वो आ रहे हैं, मतलब जैसे पिंपल्स वगैरह जैसे? हाँ जी, इस तरह पिंपल्स भी और पीरियड्स भी नहीं, मुझे तकरीबन 1.5 ईयर से नहीं हो रहे। अच्छा, तो बाल भी, विटामिन डी भी बहुत लो है। तो आपकी आपके वजन का जनरली क्या रहता है? मेरा 73 केजी है, लेकिन मैं वजन को अभी कर रही हूँ कम कर, मतलब लगता है कि जैसे ज्यादा है आपकी हाइट के हिसाब से? जी, हाइट के हिसाब से ज्यादा मेरा। अच्छा, होना चाहिए। अच्छा ठीक है, वो उसमें मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये इसमें अगर आपको बाल उतर रहे हैं और उसके साथ स्किन पे पिंपल्स आ रहे हैं तो ये हो सकता है कि एक हार्मोन जो टेस्टोस्टेरोन मेल हार्मोन होता है हमारी ओवरीज से, वो भी थोड़ा थोड़ा निकलता है कुछ चीज़ों के लिए, वो भी ज़रूरी होती है, वो कभी ज़्यादा हो जाता है, बढ़ जाता है। आपके GP उसका टेस्ट कर सकते हैं और उसको कम करने के लिए फिर आपको वो कुछ मेडिसिन दे सकते हैं। ये हो सकता है कि वो बढ़ गया हो आपके ब्लड के अंदर, जिसकी वजह से बाल भी गिर रहे हैं। हमारे साथ सिस्टर जरका मौजूद हैं ऑनलाइन, थैंक यू जरका, क्योंकि हमारे आज स्किन के पहले के भी और आज के भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं। अगर आप, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, हिना बाजी क्या हाल है? बस अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्रिया आपने फ़ोन किया। और आपके घर में हालांकि एक बीमारी हो गई है अचानक, और आई होप, हम दुआ करते हैं कि उन्हें जल्द सेहतियाबी हो। वरना आज जरका को हमारे साथ स्टूडियो आना था लेकिन उस वजह से नहीं आ सकी। आप अगर शुरू से देख रही थी प्रोग्राम, आपने क्वेश्चन सुने या मैं आपको रिपीट कर दूं? जी, अगर आप रिपीट कर दें, क्योंकि मैंने अभी टीवी ऑन। अच्छा, एक तो लेजर के बारे में था, एक सिस्टर पूछ रही थी कि उनके फेस के ऊपर झाइयों का भी बता रही थी और बालों का भी। झाइयां जैसे प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग के वक्त होती हैं, उस तरह तो नहीं उनकी? अब वो एज 45 की हो गई हैं तो उन्हें वो बता रही थी आँखों के आसपास भी हुई और गालों के ऊपर भी, तो उसके लिए मतलब डॉक्टर ने ट्रीटमेंट दी है, क्रीम्स वगैरह का इतना फ़ायदा नहीं हुआ, जैसे तुम्हारे पास ऐसे और भी कई केसेस हैं ना? जी,
تو پھر وہ لیزر کے بارے میں میں نے انہیں بتایا تھا, وہ خود اصل میں وہ لیزر کا پوچھ رہی تھیں کہ کس کس چیز کے لیے ہو سکتا ہے اور کیسے اس پرابلم کے لیے بھی کیا ہو سکتا ہے لیزر. بالکل ہو سکتا ہے. ایکچولی مسئلہ یہ ہوتا ہے جن لوگوں کے فیس پہ بہت زیادہ بال ہوتے ہیں تو بعض اوقات ان بالوں کے فولیکلز کی وجہ سے بھی اسکن ڈیمیج ہو جاتی ہے. کچھ لوگ ویکسنگ کرتے ہیں, تھریڈ کرتے ہیں, تو ان کو دانے اور یہ چھائیوں کا مسئلہ اس وجہ سے بھی ہو جاتا ہے. تو میرے پاس اکثر کلائنٹ آتے ہیں, وہ کرواتے لیزر ہے مگر اس سے کیا ہوتا ہے ان کی اسکن پوری کلیئر ہو جاتی ہے, اکثر چھائیاں بھی چلی جاتی ہیں. تو ایک تو اگر ان کے فیس پہ بال ہیں تو وہ لیزر کو پریفر کرے تھریڈ اور ویکسنگ کو نہیں, اور دوسرا جو چھائیوں کا بیسیکلی ٹریٹمنٹ ہے وہ لیزر میں بھی ہے, اور دوسرا اس کے علاوہ بھی اس کے ٹریٹمنٹ ہے جیسے مائکرو نیڈلنگ ٹریٹمنٹ ہے. تو آج کل ڈرما ٹیوٹ کا بہت اچھا ٹریٹمنٹ ہے, میٹا تھراپی اس کو کہتے ہیں, مائکرو نیڈلنگ اور ڈرما ٹیوٹ کا میٹا تھراپی. ڈرما ٹیوٹ میٹا تھراپی, ٹھیک ہے. تو وہ اسپیشل چھائیوں کے لیے ہوتا ہے, اس سے بہت فرق پڑتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, ان خواتین کوئی ایسا بھی ہو سکتا ہے اگر ان خواتین نے آپ سے رابطہ کرنا ہو, کوئی ای میل ایڈریس ہم دے دیں آپ کا؟ جی بالکل, یا فون نمبر؟ اینی ٹائم ویلکم. فون بھی دے سکتے ہیں؟ جی فون بھی دے سکتے ہیں. تو آپ کا فون ہم اسکرین پہ چلا دیں یا؟ جی بالکل چلا دیں. مجھے اچھا, بہت 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 شکریہ. کسی کی بھی ہیلپ, کوئی مشورہ؟ اچھا چلیں, بہت بہت شکریہ. تو بالکل ویلکم, اینی ٹائم. چلیں ٹھیک ہے, وہ دیکھ لیں گے. دوسرا, لاسٹ پروگرام میں ایک خاتون نے پوچھا تھا کہ ان کے چہرے پہ بہت سالوں سے, یعنی اب تو شاید چیز 27 اور اس سے کئی سال پہلے سے ان کے چہرے پہ دانے نکلتے ہیں. انہوں نے اپنی بیٹی کا پوچھا تھا اور وہ پھر نشان چھوڑ دیتے ہیں, بلیک بلیک کالے دھبے پڑ جاتے ہیں اور گہرے, کہیں تھی کافی گہرے نشان پڑ جاتے ہیں. تو پہلے تو ظاہری بات ہے ان کو دیکھنا پڑے گا, ان کا ڈائٹ اور لائف سٹائل دیکھنا پڑے گا. اکثر لوگوں کو دیکھا ہے کہ چاکلیٹ سے دانے نکل آتے ہیں, کہ کچھ آپ کی ڈائٹ بھی ایسی ہوتی ہے جو آپ کو سوٹ نہیں کر رہی ہوتی. کچھ لوگوں کو نٹس کھانے سے دانے آ جاتے ہیں, کہ اگر وہ یہ بادام کھا لے, مونگ پھلی کھا لیں, اس سے دانے آ جاتے ہیں. اور آئلی غذاؤں سے, تیل وغیرہ کھانے میں زیادہ, اور مرچ مسالے کرتی ہیں. سٹریس لیول آپ کا اگر ہو تو اس سے بھی دانے آ جاتے ہیں. اور پانی ہم لوگ بہت کم پیتے ہیں یہاں پہ نا, پیاس کم لگتی ہے سردی کی وجہ سے. بالکل, پانی پینے سے بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے, اس سے بھی آپ کا جو اگر بلڈ سرکولیشن اچھا ہوتا ہے تو آپ کی اسکن پہ بہت اچھا اثر نظر آتا ہے. اچھا, آپ زرکا ہمارے ساتھ لائن پہ ہی پلیز رہیں, ایک اور کالر ہیں, ہم ان کی بھی بات سن لیتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. الحمد للہ. آپ کون سی زبان بولتی ہیں ویسے؟ بنگالی. اچھا بنگالی. ہمارے ساتھ ایک بنگالی ڈاکٹر بھی آج ہیں, ان سے بھی بات کرواتے ہیں تو وہ آپ سے بنگلہ میں بات کر سکتی ہیں. شکریہ. لیکن آپ بول لیتی ہیں اردو, گزارا کر لیتی ہیں یا انگلش میں؟ سمجھتا ہوں, بات تھوڑا تھوڑا بات کر سکتا. اچھا اچھا اچھا, تو انڈرسٹینڈ ویری گڈ, بات نہیں کر سکتا. تو آپ سب انگلش میں کوسچن کر لیں اپنا. اچھا انگلش میں کوسچن کر لیں, اس کے بعد ہماری بنگالی ڈاکٹر بھی کریں گی فون. آپ کا لینگویج. اچھا میرا میرا ہوٹ پلس میرا جی ایج 63. ایج, اچھا یو آر 63. ہوٹ پلس ایوری آور میرا باڈی اتنا گرم ہو جاتا ہے. او ہاٹ فلشز. لیکن ہاٹ فلشز تو شروع میں جب پیریڈز آپ کے سٹاپ ہوئے ہوں گے 50 سال, 12 برس, 12 ایئرز, اس وقت آپ کو نہیں ہوئے تھے ہاٹ فلشز؟ وہ ہاٹ فلش تھا, ہوئے تھے اس وقت, پہلے پیریڈ سٹاپ ہونے کا پہلے ہاٹ فلش سٹارٹ ہو گیا. ہاں اس وقت ہوا, پھر اس کے بعد ابھی تک چل رہے ہیں؟ ابھی چل رہے. 12 سال سے؟ جی, اتنا اتنا گرمی, میرا بال بھی گر گیا, شوق کا میرا میرا آئس کا بہت پرابلم ہو گیا, اتنا گرمی آتا ہے. اچھا ویسے تو ہاٹ فلشز تھوڑا عرصہ رہتے ہیں, سال, 2 سال, 3 سال, اس کے بعد آہستہ آہستہ خود ہی کم ہوتے جاتے ہیں اور پھر خود ہی ختم ہو جاتے ہیں. کیونکہ ہاٹ فلشز اس وقت ہو رہے ہوتے ہیں جب جسم کے اندر سے ہارمونز ایک لیول پہ آ کے, کیونکہ ساری عمر ظاہر ہے ہمارے جب ہارمونز یا اووریز 7 سال کی عمر سے اووریز ہماری آہستہ 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 تھوڑی تھوڑی سی ایکٹیویٹی میں شروع ہو جاتی ہیں, تو پھر جب اتنی عمر پہ آ کے وہ پتہ نہیں کیوں اتنا گرمی آتا ہے, میرا نیند بھی چھوٹ جاتا ہے. ہاں میں, اچھا ٹھیک ہے, میں آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا بتاتی ہوں. پلیز. تو جب یہ ٹھیک ہے,
جب یہ ہمارے ہارمونز اس لیول سے اترنا شروع ہوتے ہیں تو پھر جسم کے اندر اس کا ریئیکشن آتا ہے اور وہ ہاٹ فلشز جس کو اردو میں آپ کہہ سکتے ہیں, جیسے آپ بتا رہی ہیں کہ ایک دم سے جسم گرم ہونا شروع جاتا ہے, سرخی ایسا لگ رہا ہوگا, چہرہ بالکل لال بھی ہو جاتا ہے, آدھی رات کے میرا گردن مانگا ہے کمر سے آ جاتا ہے, ہاں کمر ایسے لگتا ہے جیسے پسینے میں بھیگ گئی ہے. اور اس کے لیے پھر یہ ہو سکتا ہے اگر اتنا زیادہ آپ کو ہو رہا ہے اور ابھی تک نہیں رکا تو پھر آپ اپنے جی پی سے بات کر کے تھوڑے عرصے کے لیے آپ لے سکتی ہیں ایچ آر ٹی, جس کو ہارمون ریپلیسمنٹ تھراپی کہتے ہیں. اور ویسے لے لیا بس کم نہیں آتا ویٹی, لیکن اگر وہ زیادہ عرصہ نہیں آپ لینا چاہتی تو پھر آئل آف ایوننگ پرمروز ایک چیز ہوتی ہے, آئل آف ایوننگ پرمروز یہ آپ کو ہر جگہ, یہ سارے کسی بھی سپر سٹور سے مل جائے گا, جیسے ایزڈا, ٹیسکو, سینزبری, ہر جگہ سے, بوٹس اور سپر ڈرگ, یعنی ہر جگہ, ایون شاید باڈی شاپ سے بھی آپ کو مل جائے. آئل آف ایوننگ پرمروز, اس کے کیپسولز ہوتے ہیں, یہ دن میں ایک کھانا ہوتا ہے. اس میں یہ ہے کہ نیچرل چیزیں زیادہ ہوتی ہیں, باقی جو یہ آپ کی ہیں سویا کی جو چیزیں ہیں اس کے اندر بہت زیادہ آپ کو یہ انگریڈینٹس نیچرل مل جاتے ہیں ہارمونس کے. سویا کی پھلیاں ہیں, سویا کا ساگ ہے, سویا کا, اب آپ دیکھتے ہوں گے کہ مارکیٹس سویا ملک آ گیا ہے, سویا کی بلکہ اب دہی, یوگرٹ اور سویا کے کسٹرڈز, یعنی یہ ہر چیز میں اب استعمال ہونے لگا ہے. ہماری تو والدہ اور نانی وغیرہ, اللہ جنت نصیب کرے ان کو, وہ لوگ یہ پکاتے تھے اور گھر میں اس طرح کی چیزوں کو عموماً بہت اہمیت دی جاتی تھی, لیکن اب آپ دیکھیں کہ یہ ریسرچ ہوئی ہے اور پتہ چلا ہے کہ اس کے اندر نیچرل انگریڈینٹس ہوتے ہیں, یہ آپ کریں. اور لیکن آپ کو جیسے بال بھی ساتھ گرنے کا اور یہ سب مسئلہ ہے تو ضرور آپ ہارمون لیولز کروا لیں جی پی سے, اور کچھ عرصے کے لیے, زیادہ عرصے کے لیے نہیں, 3 مہینے یا 6 مہینے کے لیے آپ لے لیں تھوڑی سی ٹریٹمنٹ, ٹھیک ہے؟ تو زرکا آپ بتائیں, زرکا اس کے بارے میں ایک اور بہن کا سوال آیا تھا فیشل ڈرائنس کے بارے میں, کہ ان کے چہرے پہ خارش اور خشکی بہت زیادہ ہر وقت رہتی ہے. ان کی عمر جو ہے 45, میں خیر 40 سے اوپر تھی ان کی ایج بھی, تو میرا تو یہ خیال تھا کہ اگر صرف چہرے پر ہے, یعنی جسم کے باقی حصوں پہ انہیں نہیں محسوس ہو رہی فیشل ڈرائنس, تو میں نے ایک تو مائسچرائزرس کا ان کو کہا تھا کہ عام دنوں سے زیادہ استعمال کریں, اور ہو سکتا ہے کہ ان کے پیریڈس جو ہیں شاید وقت سے پہلے ختم ہو جائیں, کیونکہ ایسٹروجن جو ہے وہ مائسچرائزنگ کا کام بھی کرتی ہے نا, ہو سکتا ہے ان کی ایسٹروجن ڈپ ڈاؤن کری ہو. میں نے تو اپنے ڈاکٹری لحاظ سے یہ سوچا, اب آپ بتائیں ایز اے بیوٹیشین کہ کیا اور وجہ ہو سکتی ہے, اور کیا دھوپ وغیرہ سے ان کو بچنا چاہیے یا ان کے لیے سب سے پہلے یہ ہے کہ جیسے جیسے ہماری ایج آگے جاتی ہے ہماری ڈیڈ اسکن ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, تو ان کو ایک تو ایکسفولیٹ کا بہت دھیان رکھنا ہے کہ اگر ان کی بہت ڈرائی اسکن ہے تو کوشش کریں ہفتے میں 2 بار ایکسفولیٹر یوز کریں. وہ کیا ایکسفولیٹر ان کو ذرا سا بتانا, مل جاتا ہے یہ شاپ سے, بوٹس وغیرہ شاپ سے مل جاتا ہے, جیسے یہ ہمارا مارننگ فیس واش ہوتا ہے اسکرب وغیرہ, جی وہ یوز کریں تو زیادہ بہتر ہے. فیس واش ایسا یوز کریں جس کے اندر اسکرب ہو. اور دوسرا یہ کہ فیشلز وغیرہ کرواتی رہیں, اس سے کیا ہوتا ہے اس سے بھی ڈیڈ اسکن ریموو ہو جاتی ہے, اوپر سے اترتی رہتی ہے, ہاں تو وہ کافی ڈیپ آپ کا ڈیڈ اسکن ریموو کر دیتا ہے, اور اس کے بعد آپ کچھ بھی یوز کریں گی تو وہ آپ کی اسکن کے اندر جائے گا, ورنہ کیا ہوگا آپ کا بیریئر اوپر رہے گا, آپ کچھ بھی یوز کریں اگر ڈیڈ اسکن ہو تو آپ کی اسکن کو زیادہ فائدہ نہیں ملے, اندر پہنچے گا نہیں. اور اس میں نیچرل چیزیں جیسے کھیرا وغیرہ ملنا یا بالکل ہربل چیزیں بہت فائدہ دیتی ہیں, لیکن اس صورت میں اگر آپ اسکن ویسے ٹھیک ہے, آپ لک آفٹر کر رہے ہو, فیشل ریگولر لے رہے ہو, پھر یہ ہربل چیزیں بہت ہیلپ کرتی ہیں, اور ویسے لگائیں گی تو شاید اتنی ہیلپ نہ کریں. اچھا ٹھیک ہے, پہلے اوپر سے لیئر اتارنا ضروری ہے, لیئر اتارنا ضروری ہے. اس کے بعد ہماری ایکنی کی پہلے ہو رہی تھی, میں اس کو بھی کمپلیٹ کر لوں, آپ نے اس سسٹر کا بتایا جن کو ایکنی پرابلم تھی. ہاں زرکا ہمارے ساتھ ہی رہیں, ایکنی پہ کرتے ہیں بات, ایک کالر جلدی سے میں ان کا سوال لے لوں. تھینک یو. جی السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی سسٹر بتائیں. جی کہاں سے بات کریں؟ میں ادھر کوئٹن سے بات کر رہی ہوں. جی جی. 7 ویک ہو گئے ہمیں ڈلیوری کو. وان ٹو ڈلیوری ہوئی تھی. اچھا آپ نے لاسٹ ٹائم بھی کال کیا تھا؟ جی میں نے کال کیا تھا. ہاں وینٹوز ڈلیوری کے, سوری وہ بات آدھی رہ گئی تھی کہ وینٹوز ڈلیوری کے لیے آپ کو سٹس بات کا میں نے آپ کو نہیں بتایا تھا کہ گرم پانی کے اندر بیٹھنا, اس میں تھوڑا سا نمک ڈال کے, کیونکہ وہ اندر سے بروزنگ ہوئی ہوئی ہے نا آپ کو, تو اس کو سودنگ افیکٹ چاہیے. ہاں میں نے نمک والا بات لیا تھا, سالٹ. صرف بات لینا ہی نہیں بلکہ اس میں جیسے 20 منٹس بیٹھنا,
जी जी बिल्कुल। अगर आपने बच्चे को फीड कराना है आप उसके अंदर बैठ के बच्चे को फीड कराएं, उसको भी साथ बात दे दें, यानी उसको एक रिलैक्सिंग टाइम बनाएं अपने लिए। उसके लिए आपको अरोमा ऑयल्स भी मिल जाएंगे कुछ, आपकी मिडवाइफ्स आजकल बहुत बताती हैं अरोमा ऑयल्स के बारे में, और गूगल पे भी आपको मिल जाएंगे कौन सा अरोमा ऑयल डालना है अगर वेंटूज डिलीवरी के बाद ज़्यादा वियर एंड टीयर हो गया है और ब्रूजिंग ज़्यादा हो गई है और पेन अभी तक है, तो आप अरोमा ऑयल्स यूज़ कर सकती हैं उस पानी के अंदर नमक के अलावा। तो अब क्या हाल है आपका, अभी तक उसी तरह? हाँ अभी तक, और मैंने अगर सॉल्ट डाल के बात लिया था तो उससे मुझे इतनी ज्यादा बर्निंग हो रही। तो सॉल्ट बहुत थोड़ा सा, कितना डाल दिया था आपने, जैसे दो बड़े चमचे या तीन? हाँ, वन स्पून। अच्छा, बर्निंग आपको महसूस हुई, पानी कितना था? पानी तो जितना जैसे हाँ हाफ टब से थोड़ा सा कम। ओके, लेकिन बर्निंग मुझे अभी भी है इनसाइड और वो एनस तक भी जाती है। ब्लीडिंग रुक गई है या अभी ब्लीडिंग चल रही है? नहीं, ब्लीडिंग नहीं है, सिर्फ बर्निंग होती है, पेन की तरह पेन होती है। मिडवाइफ ने आपका 6 वीक्स का चेकअप कर लिया? जी उस कर लिया, उन्होंने मुझे आगे गायनेकोलॉजिस्ट को रेफर किया हुआ है। कब है आपकी अपॉइंटमेंट? अभी अपॉइंटमेंट भी नहीं आई है और स्कैन बुक किया हुआ है। जैसा कि मैंने पिछली दफ़ा बताया था कि ये सारा वियर एंड टीयर सही होने में 6 हफ्ते तो नॉर्मल हैं, उसके अलावा जो वेंटूज वगैरह के बाद थोड़े से और भी कुछ 2-3-4 हफ्ते लग सकते हैं, तो ये आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल नॉर्मलाइज। ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम जब वो मेरी टांग में एक साइड की जो मेरी राइट साइड की लेग है वो इन साइड वाले जो मसल हैं वो इतने तकलीफ वाले हैं मुझे वॉक करने में या टांग को मूव करने में बहुत मसला होता है, वो क्या वजह हो सकती है? हाँ, वो जब आपकी पोजीशन बनी थी ना डिलीवरी की, जब स्टिरप्स पे लगाई थी आपकी लेग्स, उसमें कई दफ़ा ये हो सकता है कि किसी एक नर्व के ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़ा हो, और इसमें भी 12 वीक्स इसका जो टाइम पीरियड है वो 12 वीक्स है रिकवर होने का, तो इसलिए सब्र, ये तभी कहते हैं ना कि डिलीवरी माँ बनना जो है बहुत बड़े सब्र का काम है। मैं ये नहीं कह रही कि आपको इलाज ना करें, इसके लिए आप यूट्यूब के ऊपर योगा की एक्सरसाइजेस, मुश्किल है मैं समझ रही हूँ, अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे। रब्बे यस्सिर वला तो अस्सिर एक बहुत ही कारामत दुआ है, ये हर वक्त पढ़ें, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उनकी बेटी हज़रत फातिमा जब भी कोई मसला लाती थी तो वो और उसके इलाज के अलावा उन्हें ये जो तस्बीह फातिमा है वो ज़रूर बताते थे, सुबहान अल्लाह 33 बार, अल्हम्दुलिल्लाह 33 बार, अल्लाह अकबर 34 बार। लेकिन योगा की एक्सरसाइजेज जो हैं डिलीवरी के बाद ये बहुत बेहतरीन साबित होती हैं, ये लेग्स में जो आप पेन बता रही हैं उसके लिए। चाहे आपको लग रहा होगा बच्चों के साथ टाइम कम है, लेकिन चाहे आप सिर्फ 10 मिनट्स कर सकें या एट अ टाइम 5 मिनट्स, फिर शाम को 5 मिनट्स, तो आप देखेंगी ये पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस की पिछली बार भी हमने बात की थी बहुत ज़्यादा अहमियत है इसकी, इसी वजह से कि मसल्स को अपनी जगह पे लेके आना, नीचे पेल्विक फ्लोर के भी, लेग्स के भी। हमारे साथ सॉरी एक और कॉलर हैं, उनको ले लेते, और पॉलीसिस्टिक ओवरी का भी हमें बात अभी थोड़ी सी करनी है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम सिस्टर, मैंने पूछना है कि मेरी नाक की जिल्द के अंदर ऐसे छोटे छोटे से निशान है, काले काले से, जैसे नहीं किल होते हैं जिल्द के अंदर, तो नाक की जिल के अंदर वो कैसे नजर आते हैं आपको? यानी कि काले काले से हैं, छोटे छोटे से। अच्छा, मतलब बाहर से नजर आ जाते हैं। हाँ जी, तो एक तो होता है ना दाने, होते दाने नहीं है तो वो ऐसे है। चलिए हमारे साथ वो सिस्टर जरका भी लकीली मौजूद हैं। जरका हो अभी तक? जी जी बिल्कुल। अच्छा जरका, इनका प्लीज जरा बताना नाक की जिल के अंदर। जहाँ तक मैं समझ सकती हूँ उनको ब्लैक कैट्स का प्रॉब्लम है। अच्छा ब्लैक हेड्स, तो वो नाक के अंदर की स्किन में भी हो सकते हैं, जैसे मर्दों के तो बाल होते हैं नाक के अंदर के, कहते हैं कि उनके सर के बाल नाक में आ जाते हैं एक एज के बाद। बिल्कुल, और अगर उनका ब्लैक हेड्स है समटाइम्स नाक के ऊपर भी होते हैं, कुछ लोगों का नाक के वो अंदर भी हो सकते हैं, तो वो तो उनको रिमूव करने पड़ेंगे। किस तरह? वो ऐसा ब्लैक हेड आपके मतलब किसी ब्यूटिशियन के पास जाके करवाएं, स्किन स्पेशलिस्ट के पास, या घर में कर सकती हैं रिमूव? नहीं, वो अगर ब्यूटिशियन के पास जाके करवाएं ज्यादा बेहतर है, खुद ना करें तो। खुद ना करें क्योंकि हाँ, इससे मुझे वाकई याद आया कि ये जो हमारा नाक के इर्द गिर्द का एरिया है ये लिप्स, इसको कहते हैं डेंजर एरिया। यहाँ पे अगर कभी कोई पिंपल या वो आपने छील दिया या उसमें कोई इन्फेक्शन हो गया किसी और प्लकर वगैरह से कोशिश की, तो वो इन्फेक्शन फैल सकता है पूरे एरिया में, पूरे फेस में फैल सकता है, फिर बाद में बहुत मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना एंटीबायोटिक से, उसकी सर्जरी भी करनी पड़ती है। तो ये जरका ने जैसे कहा कि आप या तो करवाएं ब्यूटिशियन के पास जाके, या फिर GP से अगर जो आपको आसानी लगे स्किन स्पेशलिस्ट के पास रेफ़र करवाएं, इसको खुद ट्रीट करने की कोशिश ना करें, ब्लैक हेड्स हो सकते हैं अंदर। जी वेंटूज डिलीवरी की बात हो रही थी। जी सिस्टर आप हैं अभी? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम।
हाँ जी सिस्टर, वो मैं कह रही थी कि एक तो मेरे नाक में शो किल से है, अच्छा नाक के बाल, हाँ दूसरा मेरे बाल बहुत गिरते हैं। अभी मेरी बेटी जो है वो 8 महीने की हो गई है, फिर भी जो है ना डिलीवरी के बाद अभी तक बाल गिरने नहीं। मेरे बेटी कितनी बड़ी हो गई? 10 महीने की। 10 महीने की और हेयर लॉस हो रहा है अभी तक। एक तो इसमें ये है कि जो हमें डेफिशिएंसी हो जाती है, पिछली बार भी बात हो रही थी, कोई सिस्टर पूछ रही थी कि प्रेगनेंसी और ब्रेस्ट फीडिंग में क्या हमें ज़्यादा कैल्शियम लेनी चाहिए। आम दिनों में तो जैसे 200 मिलीग्राम लिखा होता है आम मल्टीविटामिन की बॉटल्स में, प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग में इवन मैंने बात की थी जैसे 1200 या 1500 भी, इवन 1.2 ग्राम तक डोज चली जाती है ज़्यादा। और आपको मल्टीविटामिन, आप ये परफेक्टिल के नाम से एक होते हैं विटामिन जिसके अंदर आपको बूट से कहीं से भी मिल जाएंगे, उसके अंदर ये होता है कि ये नेल्स और हेयर ग्रोथ उस पर ख़ास तौर पर लिखा हुआ होता है, स्पेशली फॉर योर हेयर ग्रोथ। क्योंकि खाने पीने में जी परफेक्टिल PERFECTIL, लेकिन दूसरा ये है कि कोई भी आप ले लें मल्टीविटामिन, उसमें देखें कि उसके अंदर लिखा होगा कि मिनरल्स फॉर हेयर ग्रोथ। खाने पीने में भी कुछ चीज़ें, हाँ खाने पीने में भी ऐसी चीज़ें होती हैं जैसे आप अंडे वगैरह का इस्तेमाल रखें, प्रोटीन्स, आपको प्रोटीन्स चाहिए बालों की ग्रोथ के लिए। अगर हम थोड़ा सा भी अपनी 5 मिनट 10 मिनट लगा के थोड़ी सी रिसर्च भी हम करें इंटरनेट पे, तो हम देखेंगे बालों की ग्रोथ के लिए कौन सी ग़िज़ा ज़्यादा अच्छी है, तो हम अपनी ग़िज़ा का भी ख्याल रखें। बहुत ज़्यादा है, तो कौन सा आप विटामिन बता रही थी आप? हाँ मैं बताई थी प्रोटीन्स। और जरका भी हमारे साथ हैं लाइन पे, जरका जरा बालों के गिरने का भी आपके पास है कोई टोटका? नहीं नहीं आप बहुत अच्छा बता रही हैं, वाकई इनको जो जाहिर बात है जो बाल गिरते हैं बेसिकली अंदर की प्रॉब्लम की वजह से होता है। तो फिर मैं सुनती हूँ इधर फोन बंद करके टीवी पे। जी जी, तो जाहिर बात है इनको विटामिन वगैरह ये काफी हेल्प करेंगे। और उसके अलावा यही है कि ये अपने बालों में ऑयलिंग का बहुत ध्यान रखें। अच्छा, जो मसाज है वो बहुत हेल्प करता है इसमें। कोई खास ऑयल? कोई खास जैतून का तेल या ये सर इसका दूसरा होता है खोपरे का, बहुत अच्छा होता है, लेकिन इस कंट्री में जो कि ये बहुत ही कोल्ड कंट्री है तो यहाँ पे जैतून का तेल यूज करे तो ज्यादा बेहतर है। अच्छा, वो जो खोपरे का तेल कोकोनट ऑयल आप क्या एक्जिमा के लिए बता रही थी उस दिन? जी वो एक्जिमा के लिए होता है, क्योंकि एक सिस्टर ने फोन किया था लास्ट टाइम एक्जिमा के लिए भी। जी, तो कोकोनट ऑयल अच्छा है इसके लिए। हाँ जी अच्छा है उसके लिए, लेकिन वो जो कोकोनट का ऑयल भी वो सर पे लगा सकती हैं। और दूसरा, बल्कि आपका ये प्रोग्राम है सेहत जिंदगी है, तो मैं इस हवाले से एक और बात करना चाहूंगी। जी जरूर, सेहत जिंदगी है तो सबके लिए बहुत जरूरी है, हिजामा बहुत जरूरी है। हाँ हिजामा बिल्कुल, मेरा ख्याल है अक्सर लेडीज़ को शायद पता हो लेकिन ना पता हो, थोड़ा सा हिजामा के बारे में बता दें, कपिंग जिसको कहते हैं। मेरा ख्याल है ये दूसरी सिस्टर मिसेस सोहेब, हमारी सिस्टर जो शाम में करती हैं प्रोग्राम, वो भी एक बार बता रही थी। तो उससे क्या होता है कि जैसे कुछ लेडीज़ के जैसे पीरियड स्टॉप हो जाते हैं तो उनके लिए जाहिर बात है और कोई जरिया नहीं होता, जैसे उनको एक और सिस्टर का टेलीफोन था, उनको जो प्रॉब्लम पेश आ रही है उस वजह से मेनोपॉज की वजह से। हाँ मेनोपॉज की वजह से। तो अब मेनोपॉज के बाद अगर वो रेगुलर हिजामा करवाएं तो काफी हद तक उनका जैसे कि एक ना सिर्फ उनका ब्लड फ्लो ठीक रहता है, सर्कुलेशन ठीक रहती है, उसके अलावा बीपी का मसला हो, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हो जाता है, उन सब के लिए तो हिजामा काफी हेल्प करता है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। हाँ ये बल्कि हिजामा जो है ब्लड प्रेशर और इस तरह की चीज़ों के लिए भी कहा जाता है। अपना आप जीपी से जो भी ट्रीटमेंट ले रहे हैं और उससे अगर ना फ़ायदा हो, कुछ बहनें कहती हैं कि मैं तो हर दवा ले रही हूँ और इतने सालों से कर रही हूँ फिर भी कोई फ़ायदा नहीं, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ये नेचुरल चीज़ें करवाने का। और जो पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली सिस्टर थी, आई होप कि वो अभी हों, देख रही हूँ प्रोग्राम, कि उनको ये बताना था कि पॉलीसिस्टिक यानी कि एक वो अगर ओवरीज़ को अल्ट्रासाउंड पे आपके डॉक्टर ने दिखाया होगा तो एक हार सा बना हुआ होता है वहाँ पर, छोटे 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 सिस्ट्स कह लें उसको या छोटी छोटी सी रसौलियाँ कह लें कि बन जाती हैं, जिससे होता ये कि एक जो मकसद ये होता है ओवरी का कि एक एग को वो इतना मेच्योर, एक उसमें से सिस्ट को इतना मेच्योर कर ले एक बलून को कि जिसमें से एक एग मेच्योर होकर निकल जाए, तो उसकी बजाय बहुत सारी आ जाती हैं, यानी कि जहाँ पे एक की पावर की आपको ज़रूरत है वहाँ छोटी छोटी इतनी आ जाती हैं और डिवाइड हो जाती है पावर की, एक जगह नहीं होती, तो उससे हार्मोनल बॉडी में डिस्टर्बेंस हो जाती है। आपको इसमें एक दो बातों का बस ख्याल रखना है, हमारे साथ एक कॉलर हैं लेकिन मैं एक दो बातें आपको बता दूँ कि फिर ये रह ना जाए कि पीरियड्स आपको ज़रूरी नहीं कि हर माह आएँ,
साल में अगर चार बार भी आ जाएं पॉलीसिस्टिक ओवरीज वाली, और भी जितनी बहनें सुन लें कि उनके, क्योंकि अक्सर ये होता है कि पीरियड्स कम हो जाते हैं, बहुत परेशान हो जाती हैं कि मेरा जिस्म फूल गया, अंदर सब कुछ रह गया और चार महीने या दो महीने या तीन महीने हो गए, तो अगर आपको साल में तीन बार भी पीरियड्स आ जाएँ तो दैट इज़ नॉर्मल, कोई ऐसी बात नहीं है, आप फिर भी कैरी ऑन करें किसी इलाज के बग़ैर। और दूसरा है कि अपनी शुगर लेवल टेस्ट कराएं, एक सर्टेन एज पे आप 35 से ऊपर हो जाएं तो शुगर लेवल टेस्ट ज़रूर करा लें, अपने डॉक्टर को आप बताएंगे तो वैसे भी कर ही लेते होंगे कि डायबिटीज़, और स्पेशली अगर फैमिली हिस्ट्री है, क्योंकि वो हार्मोन्स शुगर का भी मसला दे सकते हैं। फिर चेहरे पे जो बाल वगैरह हैं वो जैसे सिस्टर जरका है हमारे साथ, इस तरह किसी ब्यूटिशियन को आपको देखना होगा ताकि वो लेज़र से या और ट्रीटमेंट्स आपके बालों और उनकी कर सकें। उसके लिए एक दो टैबलेट्स होती हैं स्पायरेनोलैक्टोन वगैरह, लेकिन उससे ज़्यादा बेहतर ये कि कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट हो। फिर जब प्रेगनेंसी वगैरह करनी हो तो फिर आपको क्लोमेड और दूसरी दवाइयों की ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन सिर्फ पीरियड्स के लिए नहीं। हमारे साथ कॉलर है लाइन पे, जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, बताइए। वालेकुम सलाम डॉक्टर साहबा। जी जी, आपसे क्वेश्चन करना था, ये छोटी बच्चियाँ जिनकी एज 12-13 साल है, मेरी बेटी है, उसकी उम्र 13 साल है, होंठों के ऊपर अपर लिप से बाल है उसके, थोड़े ना रुआ है, तो उसके लिए आप क्या कहेंगे कि उनके लिए तो लेजर नहीं मुनासिब नहीं है, तो छोटी बच्चियों के बाल ऊपर से बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनके लिए क्या कोई नुस्खा? अगर बहुत छोटी जैसे अभी है 12-13 साल उम्र, कुछ ना भी करें तो ठीक है, लेकिन बच्चियां एम्बेरेस होती हैं, स्कूल जाती हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि ये साफ होना चाहिए, तो वो उसके लिए थ्रेडिंग या वैक्सिंग कर सकती हैं, वो इस तरह की चीज़ें नेचुरल जो हैं ये आजकल तो बूट्स वगैरह से बहुत सेफ तो नहीं बहुत सेफ वो स्ट्रिप्स मिलती हैं, फेशियल स्ट्रिप्स, बल्कि जरका भी लाइन पर है, बता देंगे जरका, छोटी बच्चियों के लिए कोई खास एहतियात करनी होती है? छोटी बच्ची है तो जाहिर बात है वो लेजर के लिए अभी नहीं जा सकती, तो उनके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि बूट्स का हेयर लाइटर यूज करें, वो हेयर लाइटर अच्छा, उससे वो ब्लीच टाइप चीज होती है, वो ब्लीच टाइप होता है लेकिन बहुत लाइट होता है, लेकिन अगर ये वैक्स कर ले जैसे वो वैक्स स्ट्रिप्स होती हैं फेस की, जैसे ये बता रही हूँ उनके फाइन हेयर्स हैं, तो अच्छा से क्या होगा उनकी स्किन को, मतलब स्किन डैमेज हो सकती है, स्किन डैमेज हो सकती है ना, अभी बहुत छोटी उम्र है, 13 साल है, कम उम्र है, अगर हाँ बाल ठीक होते हैं तो फिर वो वैक्स की तरफ जा सकती थी। अच्छा ठीक है, अगर बाल उनके नॉर्मल हैं तो वो अगर हेयर लाइटनर यूज करें, हेयर लाइटनर, इसका आप पता कर लें, हेयर लाइटनर, मुझे जरा ये मुझे सुनाई नहीं दिया, हेयर कलर कौन, हेयर लाइटनर जैसे ब्लीच होती है, टेलीफोन रखती हूँ फिर मैं सुनती हूँ अच्छी तरह। हाँ, फिर हमें दूसरा कॉलर भी एक लेना, हेयर लाइटनर बताया जरका ने, बूट की अगर आप बूट की शॉप पे जाएंगे तो वहाँ पे होगा स्किन हेयर लाइटनर, तो बस आप वो ले लें और उसको बस उसके ऊपर पूरा डायरेक्शन उसके ऊपर लिखी होगी, उसको फॉलो कर लें। कॉल नहीं, अच्छा ठीक है, कॉलर कोई है हमारे पास एक और? अच्छा ठीक है, तो जरका बहुत अच्छा रहा कि आज आप हमारे साथ आ गई, नहीं बल्कि आपका पहले भी मैंने पिछली बार भी 2-3 बार से देख रही थी, माशाल्लाह आपका इतना अच्छा प्रोग्राम है, इतनी मालूमात मिलती है, इतने अच्छे तरीके से आप वो इसको लोगों से बात करती हैं, उनको वो गाइड करती है माशाल्लाह, तो इंशाल्लाह आई होप सो कि आपका अच्छा फायदा होगा इंशाल्लाह इससे, होपफुली टाइम, बहुत बहुत शुक्रिया आने का, और फिर होपफुली आप जल्द हमारे साथ स्टूडियो में भी आएंगी। ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो अच्छा, फिर वो पिछली बार मुझसे 2-3 लोगों ने उसके प्रोग्राम के बाहर भी सवाल किया था, और मैंने कुछ टिप्स लिखे थे, एक जो ये अर्ली प्रेगनेंसी में जिन लोगों को कै का मसला होता है उसमें कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं, दवाई वगैरह तो आपको डॉक्टर से मिलती होगी, जैसे स्टेमेटिल है, बकस्टम के नाम से एक होती है, इसका अक्सर लेडीज़ को पता नहीं होता, वो आप अपने लिप्स के नीचे रख लेते हैं बकस्टम, उसमें भी स्टेमेटिल होती है, लेकिन अगर आप फार्मेसिस्ट से कहें कि मुझे या जीपी को बताएं, क्योंकि वो आप डायरेक्ट तो ले नहीं सकेंगे ओवर द काउंटर, कि स्किन ये लिप के नीचे रखने वाली टैबलेट चाहिए, तो वो सिर्फ सुबह एक रखनी होती है और एक शाम, सुबह उठते ही पहली चीज़ बिस्मिल्लाह पढ़ के अपने बेड के साइड पे इलायची या छोटा सा कोई ऐसी चीज़ जो आपको अच्छी लगती हो, छोटा सा पीस चॉकलेट का या बिस्किट का रखें फर्स्ट थिंग इन द माउथ, इवन बिफोर ब्रशिंग योर टीथ, बिफोर एनी थिंग एल्स, छोटी सी कोई चीज़ वो आपके जो टेस्ट बड्स हैं उनको स्टिमुलेट कर देती है, वो रख लिया करें, और ये एवोकाडो जो है फ्रूट और बनाना ये भी अच्छे हैं इसके लिए, फिर अरोमा ऑयल्स इसके लिए भी ख़ास मिलते हैं, आपको पता चल जाएगा, आप जाके जो शॉप्स होती हैं अरोमा ऑयल्स के बारे में अगर पूछें कि मुझे वो वाला चाहिए जो सिकनेस के लिए, ये आपकी मिडवाइफ भी बता देगी, मैंडरीन का भी है इसमें, लेमन का है,
स्वीट ऑरेंज का जो एरोमा ऑयल है दैट इज़ वेरी गुड. फिर हिप्नोथेरेपी भी इसके अंदर होती है, रिफ्लेक्सोलॉजी होती है. और एक रिस्ट बैंड का एक तरीका है, आप रिस्ट बैंड लेके ये जो तीन उंगलियों से अपनी रिस्ट जहाँ पे क्रीज है आपकी, तीन उंगलियाँ रख के जहाँ तीसरी उंगली ख़त्म होती है वहाँ पे आपको प्रेस करना है. यहाँ पे एक नर्व होती है, उसको पेन से आप मार्क लगा दें रिस्ट बैंड के ऊपर और उसको सुबह उठते ही बिस्तर से निकलते हुए तो 25 टाइम्स ईच, तो आपके हस्बैंड या घर में कोई और हैं जो वो दोनों साइड्स पे इकट्ठे उन पॉइंट्स को जो प्रेस पॉइंट्स कहते हैं इनको इकट्ठे प्रेस करें जल्दी जल्दी 25 टाइम्स. और बिस्मिल्लाह सूरह फातिहा अल्लाह शाफी पढ़ के मैं तो हमेशा यही कहती हूँ दुरूद शरीफ, ताकि बल्कि मेरी जो नॉन मुस्लिम पेशेंट्स हैं उनको भी मैं कहती हूँ कि देर आर सम मैजिकल वर्ड्स, द हैरी पॉटर मैजिकल वर्ड्स जो स्पिरिचुअल हमारे होते हैं, दुआ वगैरह या कोई इस तरह के हर एक के अपने अपने बिलीफ में होते ही हैं, वो ज़रूर याद से इसके साथ मिला लिया करें. तो चलिए बहुत अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके, हमें कॉल्स भी आईं और इंशाल्लाह फिर आइंदा भी चलता रहेगा. तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ख़ास तौर पर आज वीमेंस डे में अपनी सेहत के बारे में जो कमियाँ उनको पूरा करें. और अल्लाह के हवाले, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.